विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय मंत्री राजेंद्र कुमार पंकज यांच्याशी बातचीत केलेली आमचे असिस्टंट एडिटर मनोज भोयर यांनी. विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येमध्ये धर्मसभेचं मोठ्या प्रमाणात आयोजन केलं आहे. हे नेमकं आयोजन काय, पुढची दिशा कशी असेल, आंदोलन यातनं उभं राहील का, सर्व मुद्द्यावरती आपण विस्तृत चर्चा त्यांच्यासोबत करणार आहोत. जय महाराष्ट्रमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. जिस तरीके से ये धर्मसभा का आयोजन किया गया है, पहले मन में था कि कुछ समय से इसकी तैयारी शुरू थी, किस तरीके से रहेगा ये आयोजन? 4 नवंबर को विज्ञान भवन में पूज्य संतों की सभा में एक धर्मादेश जारी किया गया. उस धर्मादेश में देश में 3 स्थानों के ऊपर 25 नवंबर को बड़ी धर्म सभाएं घोषित की गई, अयोध्या, बेंगलोर और नागपुर, और 9 दिसंबर को दिल्ली में 5 लाख लोगों की सभा वहां घोषित की गई. साथ ही वहां संतों ने यह भी धर्मादेश दिया कि इसके बाद देश के 100 स्थानों पर वहां पर हम बड़ी सभाएं करेंगे और 500 जिलों में उसके बाद धर्म सभाएं करेंगे. फिर 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज में धर्म संसद का हम आयोजन करेंगे और अपनी रणनीति की घोषणा करेंगे. उसी परिप्रेक्ष्य में ये सभा यहाँ पर हो रही है. संतों के आह्वान पर राम भक्तों का ये यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, इसलिए संतों का निर्णय है ये. दूसरी बात की ये संतों का निर्णय आपने कहा है, लेकिन क्या इसके आगे राम मंदिर के निर्माण के लिए कुछ नया बड़ा आंदोलन जो पहले कभी हुआ था, ऐसा होने की संभावना, कोई रणनीति? अभी तो हम जो लोग इस रास्ते में बाधा बनकर के खड़े हो रहे हैं, 5 दिसंबर 2017 को कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर में कहा कि ये जो विषय है इस पर विचार ही 2019 के चुनाव के बाद किया जाए, यानी वो इस विषय का राजनीतिकरण कर रहे हैं. इसलिए उन सबको हम दिखाना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के विषय में जो बाधा बन करके आएंगे तो राम भक्तों की शक्ति उसको ठोकर मार करके किनारे करेगी. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भाजपा के ही नेता हैं और इस मुद्दे पर तो वो कुछ नहीं बोलते. पतिव्रता औरत जो है अपने पति का नाम नहीं लेती, लेकिन उसका व्रत रखती है. लेकिन बोलना तो होगा, क्योंकि संभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है. वीजेपी, आरएसएस, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं में से इतने तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा यही लोग करेंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है. हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, जो कि कमान संभाले हुए पार्टी की शिवसेना की, वो भी अयोध्या में आ रहे हैं. स्वागत है उनका, अयोध्या में आ रहे हैं, स्वागत है. अयोध्या हर राम भक्त की नगरी है और राम जन्मभूमि का विषय जो बाबर को एक विदेशी आक्रांता मानता है और राम में आस्था रखता है, वो सब राम जन्मभूमि के साथ है. बाला साहब ठाकरे उसमें अग्रणी थे. ये राम मंदिर देश के हिंदू अस्मिता का विषय है, इसमें जाहिर सी बात है. और दूसरी बात, ये मैंने पहले ही कहा है कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है. वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होना यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है. लेकिन मैंने मुस्लिम लोगों से बात की, उनका भी कहना है कि दोनों समुदायों के बीच में एक बहुत अच्छा खासा वातावरण यहाँ हमेशा सदियों से रहा है, लेकिन बाहरी लोग जो है यहाँ आके गड़बड़ी फैला देते हैं और फिर दिक्कत होती है और फिर डर का माहौल छाया रहता है. जो कह रहे हैं ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई आदमी अपने घर में कसरत कर रहा है और दूसरा जो है वहाँ कांप रहा अपने घर में खड़ा हुआ है. अरे मेरे स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, मैं इसलिए कसरत कर रहा हूँ, मैं उसको मारने के लिए कसरत थोड़ी कर रहा हूँ. बहुत शुक्रिया राजेंद्र कुमार पंकज जी आपका. विश्व हिंदू परिषद से केंद्रीय मंत्री राजेंद्र कुमार पंकज जी जय महाराष्ट्र सोबत एक्सक्लूसिव बातचीत करत होते या धर्मसभेमध्ये नंतर
या राम मंदिराच्या उभारणीसाठी एक नवं बळ मिळेल आणि एक चळवळ उभी राहील असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला आणि सामाजिक वातावरण कुठे बिघडणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कॅमेरामन राजीव बारोड सोबत मनोज भोयर, जय महाराष्ट्र, अयोध्या.